उत्तर प्रदेश की सियासी सोच से गेस्ट हाउस कांड अभी निकला भी नहीं है और क्या एक नए कांड की पटकथा राजधानी में बैठकर लिखी जा रही है, तो आखिर कौन लिख रहा है इस नए कांड यानी कि करहल कांड की पटकथा, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में रचा जा रहा है करहल कांड, कौन लिख रहा है करहल कांड की पटकथा, करहल कांड से बदल जाएगी यूपी की राजनीति। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से करवट लेगी। गेस्ट हाउस कांड के बाद एक बार फिर यूपी की सियासत में एक बड़ा कांड हो सकता है। कांड भी ऐसा कि उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि यूपी के दिग्गज की शाख पर खतरा मंडरा रहा है। इस कांड के बाद घूम जाएगा यूपी की सियासत का चक्र। सियासत में कांड तो कई हुए, लेकिन इस कांड की जिस तरह से पटकथा लिखी जा रही है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कैसे सियासी गणित को बदला जा रहा है, सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कैसे राजनीतिक दल बदला लेने के लिए करहल कांड की पटकथा लिख रहे हैं। कब से लिखी जा रही है करहल कांड गाथा, कौन तैयार कर रहा है करहल कांड, कौन हो रहा है करहल कांड का शिकार। दरअसल करहल कांड की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दिया था और स्वामी के साथ खड़े होकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को ललकारा था। उसी दिन से करहल कांड का चक्रव्यूह रचना शुरू हो गया था। इस चक्रव्यूह में भगवान ने मुलायम के पहले प्यादे को अपने पाले में खींचा। ये प्यादा कोई और नहीं बल्कि मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव है। अपर्णा ने बीजेपी का दामन थाम लिया और मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया था और इस करहल कांड की पटकथा दिल्ली में बैठकर बीजेपी के चाणक्य तैयार कर रहे थे और इस करहल कांड का शिकार कोई और नहीं बल्कि अखिलेश यादव होने जा रहे हैं। करहल कांड से अखिलेश यादव का शिकार करने के लिए चाणक्य ने ऐसा दाव चला जिसे जिसने भी देखा वो देखता रह गया, क्योंकि करहल कांड के लिए बीजेपी ने मुलायम के चेले को ही अखिलेश यादव के सामने चुनावी मैदान में उतार दिया है। अखिलेश यादव ने करहल से नामांकन किया तो उधर बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतार दिया। चाणक्य ने ऐसा दिमाग लगाया कि मैनपुरी की सीट बुरी तरीके से फंस चुकी है। मैनपुरी की सीट सपा के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती थी, लेकिन अब लड़ाई कांटे की होगी। इसके बाद आपको 2019 में अमेठी में राहुल गांधी की हार याद आ रही होगी, आजमगढ़ में अखिलेश यादव को खुली चुनौती देते निरहुआ की याद आ रही होगी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं करहल कांड कामयाब हुआ तो अखिलेश यादव की सियासत किस ओर मुड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, 8/9 न्यूज़।